ब्रॉडविजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी भकेर। ब्रॉडविजन एक ऐसा शो है जहां पर हम चर्चा करते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करते हैं, जी हां, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, जिनका फ्यूचर हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा पड़ा है। जी हाँ, आप इस शो में आप हमें व्यूज़ भी दे सकते हैं और कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो बदलाव लाने के लिए है और बदलाव लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे ही चीज़ों पर और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, भारत शिक्षा प्रणाली। जी हाँ, आज का जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा है, क्या है, क्यों है, क्या गुंजाइश है, कितनी हद तक वो अच्छी है, ऐसा माना जाता है और देखा भी जाता है और ऐसा होता भी है कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो विदेश पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स उन पे खर्चा करते हैं और वो जाते हैं और कहीं ना कहीं कोर्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं, पर उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, बेरोज़गारी को उन्हें देखना पड़ता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में इस समय। इसी मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी रोशन सर से, जो कि एक जीयू के प्रोफेसर हैं और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और फिर मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अमिताभ सर से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ वो एक पेरेंट भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम है सर, वो कितना इफेक्टिव है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम एजुकेशन, जिसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। तो भारत जैसे देश में, भारत की जो परंपरा रही है, यहाँ शिक्षा का अर्थ होता है मुक्त करना, लिबरेट करना, अपने आप में लोगों को समाहित करना। मतलब कि शिक्षा का मतलब यहाँ एकल नहीं है कि सिर्फ अपना विकास करना नहीं है। वो कहते हैं ना कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो दर्शन है, सोचो साथ क्या जाएगा। मतलब कि हम इस पीढ़ी के कस्टडियन हैं, तो जो हमने सीखा है वह आने वाली पीढ़ी, अर्थात शिक्षा से अभिप्राय बीती हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच एक कड़ी का काम करना है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे देशों में, दुनिया में तमाम उदाहरण हैं, मार्टिन लूथर किंग हुए अमेरिका में, अब्राहम लिंकन हुए, ये लोग विपन्न से संपन्न बने। लेकिन भारत एक अपने आप में स्यू जेनेरिस, अनन्य विशिष्ट राष्ट्र है, जहाँ सदियों से गौतम बुद्ध, महावीर, यहाँ तक कि गांधी, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा रशिया का महान विद्वान सियरन को, जो कहता है कि कैसा अद्भुत देश है जो अपने सभ्यता के उत्कर्ष पे जब था तो भगवान बुद्ध को जन्म देता है, लेकिन जब गुलाम था, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था, उस समय भी इसने महात्मा गांधी जैसे यशस्वी व्यक्तित्व को जन्म दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत जैसे राष्ट्र में शिक्षा जो होता है वह संपन्नता को छोड़कर अंतिम व्यक्ति के हितों के रक्षार्थ, वह मिनिस्ट्रीम, लोगों को, जनसाधारण को जगाने के लिए जो एक टॉर्च बीरर का काम करता है, वह शिक्षा है भारत। जी जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा एजुकेशन है वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, प्रैक्टिकल के मुताबिक देखा जाए तो आपको क्या लगता है कितना हद तक ये सही है? प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कम होता जा रहा है हमारे कॉलोनियल रूल एंड टेंडेंस के बाद से, और यह क्लियरली विजिबल है कि इवन लास्ट 30-40 इयर्स डिफरेंस बिटवीन माय एजुकेशन व्हेन आई वाज, मैं जब स्कूल में था, और अब मेरी बेटी जो पास आउट है, देर इज बहुत ही डिफरेंस आ गया है प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। थियोरेटिकल और इट इज़ वेरी गेटिंग सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव, जस्ट टू पास आउट द एग्ज़ाम। एंड यही कह सकते हैं कि इन वन सेंटेंस, यू कांट लर्न स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग और कैमरा हैंडलिंग इन मीडिया just by reading the books. You have to be more practical to learn the skills and for job market, present job market.
सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो रक्षा और स्वास्थ्य की तुलना में देखा जाए तो एजुकेशन में कितना पैसा लग जाता है, क्या एजुकेशन में कम लगता है इसके मुताबिक देखें? हमारी जो शिक्षा नीति है जो 1986 में बनी थी राजीव गांधी सरकार के दौरान, पीवी नरसिम्हा राव शिक्षा मंत्री हुए थे और उसी समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर किया गया था, जो कि वर्तमान फिर से उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एक कल्पना की गई थी कि भारत में आने वाले समय में अपने जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 6% राशि शिक्षा पे व्यय किया जाएगा, और चूंकि हम कोलोनाइज रहे हैं, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहे हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ या आपको आम तौर पे लोगों के बीच चर्चा का विषय मिल जाएगा कि हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है जी। इसीलिए हम कहीं ना कहीं शिक्षा को सेकेंडरी मानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाद। लेकिन अभी मैं विगत दिनों एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनकी शहादत हो गई थी, जॉन एफ केनेडी ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसीलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका एक संपन्न राष्ट्र है, अमेरिका संपन्न राष्ट्र इसीलिए है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अच्छी। तो वही मॉडल हमें अपने यहाँ शिक्षा में लगाने की जरूरत है। आप जीडीपी का 6% जो अपेक्षित है वह लगाएंगे तो कौन जानता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य और रक्षा जैसी चीज़ों की जो हिस्सेदारी है वह घट जाए, क्योंकि शिक्षा जो है जी। मैं आपको एक प्रख्यात कवि हुए अकबर इलाहाबादी, उनकी एक पंक्ति है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबले तोप हो तो अखबार निकालो। आप लोग चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबले तोप हो तो अखबार निकालो। महत्वपूर्ण वाली चीज यहाँ है, तीन शब्द है, तीर तलवार और तोप। गौर कीजिए, तीर किसको रिप्रेजेंट करता है? पाषाण काल को, स्टोन एज को। तलवार किसको रिप्रेजेंट करता है? मेडाइवल एरा को। और तोप जो है वो वर्तमान में, आप देख रहे हैं कि जाल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, तो आपका मुकाबला, आपकी लड़ाई पाषाण काल में हो, मध्यकालीन युग में हो या समकालिक समय में हो, आपको जवाब कौन देगा? अखबार देगा। मतलब इनका इलाज क्या है? शिक्षा है। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो इसराइल आज एक तरह से कहा जाए कि मानवता के खिलाफ, कौन मैं, हम यहाँ जजमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो मानवता के खिलाफ हो रहा है। तो इजराइल का एक राष्ट्रपति हुआ करते थे सेमन पेरेस, बहुत स्टॉलवर्ट लीडर, उन्होंने कहा कि युद्ध और शांति में क्या अंतर है? सामान्य बात है कि युद्ध और शांति में जो अंतर हम समझते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि युद्ध काल में एक पिता अपने संतान को कंधा देता है, अर्थात जवान मरते हैं और बूढ़ा कंधा देता है, जबकि शांति काल में जैसा कि प्रकृति का नियम है, जो जैसे आता है वह वैसे जाता है, एक संतान अपने पिता को कंधा देता है। तो जो शिक्षा की आपने बात कही और शिक्षा में निवेश कम होने की बात कही, इसका समाधान भी शिक्षा में ही है। अर्थात यह शिक्षा, हमें गौर करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे कि आप अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में निवेश करेंगे ताकि उनके अंदर से विध्वंस की भावना खत्म होगी और रचनात्मकता के राह पे हम चलेंगे। इसीलिए जीडीपी का 6% राशि किसी भी सरकार को अविलंब शिक्षा में अलॉट करना चाहिए जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारा आज का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लास सेटअप हो गया, क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो गया, सर इसके मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज से हम कितना पीछे हैं, आपको क्या लगता है? वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वह बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट पार्ट एंड फंड यूटिलाइजेशन, इट इज़ रियल प्रॉब्लम फॉर द एजुकेशन सिस्टम। विदिन इसमें यह भी देख सकते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, इसमें काफ़ी डिस्पैरिटी है, देयर वाइड गैप। रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया सिटीज़, इसमें डिस्पैरिटी है। तो मैनेजमेंट और फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन चैलेंज। वैसे देर इज़ नो
इफ इट इज प्रॉपरली यूटिलाइज दे कैन बी कंपेयर्ड विद दी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसे कह नहीं सकते, मेन है कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों पर खर्चा करके उन्हें विदेश भेज देते हैं दूसरी कंट्रीज में, ये हमारे देश के लिए काफ़ी निराशाजनक बात है सर, आपको इसमें क्या लगता है? मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता. दरअसल एक शब्द है अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, जो 1990-91 के बाद इस देश में भी शुरू हुआ. तीन शब्द हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. तो भूमंडलीकरण का अभिप्राय हम सब समझते हैं, लेकिन अगर मैं एक शब्द में कहूँ भूमंडलीकरण तो उसका अर्थ होता है प्रवाह, फ्लो, मतलब कि संस्कृतियों का अदला बदली होना, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाना. उदाहरण के लिए अमेरिका में बना हुआ जींस और भारत में बना हुआ खादी का कुर्ता ट्रेंड में है, लोग पहनते हैं. तो अमेरिका का जींस और इंडिया का खादी का कुर्ता जब आप पहनते हैं तो ये संस्कृतियों के मेल से संभव हुआ है. तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा का अभिप्राय बाहर जाकर शिक्षा लेना, हमारे यहाँ आपको ह्वेनसांग वगैरह का उदाहरण, जो चाइनीज स्कॉलर थे यहाँ आते थे, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी में. तो संस्कृतियों और शिक्षा का प्रवाह जब तक नहीं होगा तब तक हम कूप मंडूक बन जाएंगे. उदाहरण के लिए हम बार बार जिक्र करते हैं कि व्हाट इज राइट्स, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है. तो इसका स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता किसी एक जगह से नहीं आया है, वो एक ग्लोबल फिनोमेना रहा है. इस दुनिया में पहली बार अधिकारों की जो लड़ाई हुई उसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जब 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा नामक एग्रीमेंट पे साइन हुआ था जो किंग जॉन और वहाँ के बैरोंस के बीच हुआ था. उसके बाद दुनिया में चार महान क्रांतियाँ हुई, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1789 की फ्रेंच क्रांति, 1917 की रशियन क्रांति. उसके बाद दुनिया आज इतनी लिबरेट हुई है. उसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, हमने जितने चार क्रांतियों में कमाए दुनिया ने उतना दो विश्व युद्धों में कमा दिया. इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक को कहना पड़ा कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि चौथा वर्ल्ड वार जब होगा वह लकड़ी और पत्थर से लड़े जाएंगे, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वार में सारा दुनिया का समाज नष्ट हो जाएगा. कितने पर अनुभव है. इसीलिए शिक्षा और संस्कृति का प्रवाह होना ही चाहिए. जिससे लोग पलायन कहते हैं दूसरे देश में जाकर, वह पलायन नहीं है, दरअसल वह अवसरों की खोज भी है. एक शब्द आप लोग कुछ दशक पहले चर्चा में होता था, ब्रेन ड्रेन, जो हमारे लोग चले जा रहे हैं अमेरिका यूरोप में, वह हमारा ब्रेन यहाँ से ले रहे हैं लेकिन उसका ड्रेन हो जा रहा है. आजकल जो परिपाटी आ गई है खासकर IT युग के बाद, तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन का युग आ गया है, अर्थात हमें इस प्रवाह का लाभ भी मिल रहा है. हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं. जी सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब शिक्षा हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई, कोर्स सब कुछ हमारा हो गया है, पर जब नौकरी की बात आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, वो उन्हें नहीं मिल पाती है. 100 पोस्ट निकलती है जिसमें 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं सर, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? जब UPSC आप देख लीजिए, इसमें आपकी क्या राय है सर? इट इज़ हार्ड रियलिटी, मतलब ये हार्ड रियलिटी है सोसाइटी का जी. अगर 100 पोस्ट निकली है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, वो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड एवरीथिंग, फंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज थिंग्स. सो अगर 100 पोस्टों के लिए 10,000 अप्लाई कर रहे हैं या 50,000 अप्लाई कर रहे हैं और विथ हायर एजुकेशन फॉर लोअर पोस्ट, हम इसको रोक नहीं सकते हैं. और मेन प्रॉब्लम हमारे देश का है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और इसके और उनका स्किलिंग भी प्रॉपर नहीं है, बस बेसिक क्वालिफिकेशन है उससे वो अप्लाई कर दे रहे हैं. तो
जो इंडस्ट्री है इट इज सर्चिंग फॉर द मोस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड ड्यू टू दिस इट कांट बी स्टॉप्ड. बस यह कर सकते हैं कि जो जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों को अपना एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा, अपना बिजनेस यूज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इन चाइना, जापान, जहां लोग अपना काम कर रहे हैं. प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं बच्चों को, तो प्राइवेटाइजेशन के कई नुकसान हैं. देखिए दरअसल विश्वास बहाली का संकट है. क्या है? विश्वास बहाली का संकट, ट्रस्ट डेफिसिट का संकट. मैं बार बार कहता हूँ कि डेमोक्रेसी, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा, अगर मैं पूछूं कि डेमोक्रेसी से लोग क्या समझते हैं और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका आंसर मैं यह प्रायः देता हूं कि डेमोक्रेसी जिस किसी भी देश में है, भारत में ही लीजिए, इसका अर्थ होता है कि यहाँ सारे सार्वजनिक पद, जितने पब्लिक पोस्ट हैं आपके संस्थान के प्यून फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय से लेके भारत के राष्ट्रपति तक का पद खाली है जी. मतलब कि आप अगर सक्षम हैं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस देश के टॉप पोस्ट पे आप जा सकते हैं. तो आपने जो कहा कि निजीकरण जो है यह कहीं इससे लोगों में, सामान्य लोगों में हतोत्साहित होती है, पैसे वाले लोग अवसर बना लेते हैं. तो एक नाइजीरिया का विद्वान हुआ करते थे चिनुआ अचाबे, वो कहता है कि जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक दुनिया में शिकारियों की गाथा गाई जाती रहेगी. तो जब तक स्टेट राज्य, जैसा कि आपने पहले भी कुसम किया कि स्वास्थ्य और रक्षा की तुलना में यहाँ बजट कम है, तो जब तक हमारा नोशन, चूंकि इट इज द आइडिया व्हिच रूल्स द वर्ल्ड, दुनिया में विचार का शासन होता है और विचार आता है शिक्षा से, इसीलिए जब तक हमारे जीवन पद्धति के कोर में, मतलब कि उसके अंतःस्थल में, जब तक यह नहीं होगा कि शिक्षा देना राज्य का काम है, इस दिशा में एक अच्छी पहल हुई थी जब 11 नवंबर 2011 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को हरियाणा के नूह नामक जगह से लागू की गई थी. और इसीलिए 11 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं. इसीलिए यह स्टेट का इकबाल होना चाहिए कि शिक्षा जो हो, बेसिक शिक्षा कम से कम जो हो, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा हो, वह उसके लिए लोगों को निजी विद्यालयों में जाने की जरूरत न पड़े. और यह इस सब का समाधान कहाँ है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीडीपी के 6% आप जैसे ही घोषित कर देंगे तमाम समस्याओं का इलाज हो जाएगा. सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी अभी नेशनल पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि मोदी जी ने लागू करी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा कर पा रही है? यह जो नेशनल शिक्षा पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, यह एक बहुत बड़ा ही काफ़ी जी, एक्चुअली मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ देखा था कुछ दिन पहले. इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो शिक्षा पद्धति को काफ़ी चेंज कर देगा विथ लिटल रेजिस्टेंस फ्रॉम दी सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज द मेन पॉइंट इज वन ऑफ इट विल चेंज द सिस्टम फ्रॉम 10+2 to 5+3+3+4. इसमें काफ़ी मंथन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और सिस्टम को ओवरऑल चेंज के लिए. और इसमें जो चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स है, जैसे मल्टी लिंगुअल सिस्टम होगा तो स्टूडेंट्स को दो या उससे अधिक भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं इजिली. और ट्रेनिंग फॉर दी टीचर्स एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एनरोलमेंट
फॉर स्टूडेंट फ्रॉम केजी टू पीजी इट इज मैंडेटरी एंड अदर गुड पॉइंट्स आर देयर दैट कैन बेनिफिट द सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए और अपने शब्दों से अपनी इन्फॉर्मेशन से हमारे शो में आपने जुनून डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि सर ने बताया कि जो एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन ही एजुकेशन को आगे बढ़ा सकती है, क्यों ऐसा होता है कि वो जाते हैं, इसका भी सर ने बताया कि वहाँ से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ से भी सीखते हैं। तो ये सब सर ने बताया और पॉलिसी के बारे में बताया कि क्या क्या मैंडेटरी है प्राइमरी स्कूल्स के लिए और जो केजी स्कूल्स के लिए है, और ट्रेनिंग भी अच्छे से दी जाएगी और हमारी लैंग्वेजेस को अलग अलग लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएगी। तो ये था आज का मुद्दा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।